दोस्तों, जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कुवैत की एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इस कंपनी में टोटल 7 कैटेगरी की डिमांड है और कंपनी हाई सैलरी प्रोवाइड करा रही है। ये कंपनी मेंटेनेंस कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं वो लोग वीडियो पूरा देखिएगा। आगे आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कहाँ पर इंटरव्यू होगा, कितनी डेट में इंटरव्यू होगा, ऑफिस का एड्रेस, सब कुछ आप लोगों को डिटेल से बताऊँगा और साथ में पेपर भी यूज करूँगा, आप लोग फुल डिटेल से देख सकते हैं। तो बने रहेगा वीडियो में, आप लोगों को लेकर बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और चैनल बनाना चाहोगे सब्सक्राइब कर, साथ में घंटी का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको और का सिलेक्टेड वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और नंबर वाइज आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस, ये मेंटेनेंस कंपनी है, पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्री कंपनी है, ठीक है ना। इसका टोटल 3 जगह इंटरव्यू होगा, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, अलग अलग डेट में इसका इंटरव्यू होगा। तो जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गाइस ये मेंटेनेंस कंपनी है और हाई सैलरी आपको प्रोवाइड करा है। इसमें देखिए टोटल 7 कैटेगरी है, आप पेपर में देख सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, दूसरा है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, तीसरा है इलेक्ट्रिकल फोरमैन, चौथा है फायर अलार्म फोरमैन, पाँचवा है इलेक्ट्रीशियन, छठवां है फायर अलार्म टेक्नीशियन, सातवां है डॉक्यूमेंट्स असिस्टेंट, ठीक है ना। ये टोटल 7 कैटेगरी है और आप इसमें सैलरी देख सकते हैं, ठीक है ना। और सैलरी देखने से पहले आप पेपर में देखिए कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको इतना सैलरी मिलेगा। मैक्सिमम सैलरी आपको तभी मिलेगा अच्छा, जब आपका उतना एक्सपीरियंस रहेगा। आप पेपर में देखिए सब कुछ डिटेल से लिखा हुआ कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फोरमैन का, फायर अलार्म फोरमैन का, इलेक्ट्रीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, डॉक्यूमेंट्स असिस्टेंट का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर के आपको इतना सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सैलरी 1200 KD है, ठीक है ना। इंडिया के तकरीबन 3.5 लाख बनेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का 700 KD है, इलेक्ट्रिकल फोरमैन का 500 KD, फायर अलार्म फोरमैन का 500 KD, इलेक्ट्रीशियन का 300 KD। देखिए इलेक्ट्रीशियन है लेकिन तो मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन है। इसमें आप देखिए नीचे लिखा हुआ है कंप्लीट नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, 2 साल का कोर्स आपको पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। फायर अलार्म टेक्नीशियन 300 KD, मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट असिस्टेंट 200 KD, मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि इसमें एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए इस कंपनी में, ठीक है ना। टोटल इसमें 7 कैटेगरी है, आप लोगों ने देख लिया। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 10 साल का। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का 10 साल का, इलेक्ट्रिकल फोरमैन का 12 साल का, फायर अलार्म फोरमैन का 10 साल का, इलेक्ट्रीशियन 2 साल का, लेकिन तो 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट 2 साल का चाहिए, एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का चाहिए। फायर अलार्म टेक्नीशियन का 5 साल का, डॉक्यूमेंट्स असिस्टेंट का 5 साल के, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के आपको इतनी सैलरी मिलेगी। और देखिए इंटरव्यू कहाँ कहाँ पर होगा, मुंबई में 29 फरवरी से 1 मार्च तक इसका इंटरव्यू चलेगा, चेन्नई में 3 और 4 मार्च को चलेगा, कोच्चि में 6 और 7 मार्च को चलेगा। तो जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट क्लाइंट इसका इंटरव्यू लेगा, ठीक है ना। एक मेंटेनेंस कंपनी है कुवैत का। तो आई होप कि हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा ताकि और दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। हमारे हिसाब से बहुत कम ही लोग होंगे जिनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस होगा उन्हीं को ये जॉब मिलेगी, अन्यथा दूसरे को जॉब ये नहीं मिलेगी। तो नमस्कार, जय हिंद।